हेलो गाइस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है, जून 2022 के लिए। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे लव करियर से रिलेटेड, ओवरऑल आपके लाइफ में जून मंथ में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ से हम मेन मैसेज लेंगे और ये सीक्रेट टैरोट डेक है, यहाँ से हम एक मेजर मैसेज लेंगे और यहाँ से हम एंजल मैसेज चेक करेंगे, ठीक है आपके लिए। तो फर्स्ट हम इसे साइड कर देते हैं क्योंकि ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेन मैसेज ले लेते हैं तो पॉजिटिव रहे, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी अपने मन में ना लाए। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए तो मैं नहीं लूंगी। सेवन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है, जून मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज, कोई मेल आपके पास आने वाली है जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो आपको कोई स्कॉलरशिप का ऑफ़र भी आपके पास आ सकता है, ठीक है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है इस जून मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मेल मैसेज की बात तो यहाँ पर है, ठीक है, जिसके किसी भी मेल या फिर मैसेज के लिए आप अगर वेट कर रहे थे, ठीक है, तो वो जून मंथ में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो चलो यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और अर्थ साइन, हाँ अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर टॉरस, वागो, कैप्रिकॉन, ठीक है। यहाँ पर फायर साइन है, तो फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो मुझे यहाँ पर कहीं भी एयर साइन नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एरीज़ की जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो एयर को छोड़ के यहाँ पर सारे साइन मौजूद हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 से 10 तारीख के बीच में देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है जून मंथ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन लगाकर मेहनत की है, तो उसका फल मुझे जून मंथ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर पैसों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है गाइस, ठीक है, तो आपको ये पैसों वाला ऑफ़र आपके पास आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए जून मंथ तक आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, शायद किसी किसी ने रात में जागकर भी, बहुत देर रात तक जागकर भी मेहनत की है, ठीक है। तो उसका फल उसको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी किसी को प्रमोशन मुझे दिख रही है, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात तो यहाँ पर मैंने पहले ही कही थी, ठीक है, आपके पास कोई मेल मैसेज आने वाली है और स्कॉलरशिप, अगर वो स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत की है, ठीक है,
उसके पास भी उसका फल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और बिजनेस में आप अगर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है तो उसमें भी ग्रोथ मुझे आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। 1 से 10 तारीख के बीच में आपका जो मेहनत का फल वो आपको मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं 10 से 20 तारीख के बीच में जून मंथ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स और हाई प्रिस्टेस, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, ठीक है। तो 10 से 20 तारीख के बीच में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, बिजनेस में सक्सेस आपको इस मंथ में ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 10 से 20 तारीख के अंदर तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो और जो ये सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस सक्सेस के पीछे कोई लेडी का हाथ है, ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो वो आपके माँ हो सकते हैं, ठीक है, आपके बहन हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, और आपके फ्रेंड्स कोई। ये वाइब्स बहुत ही ज़्यादा आ रही है मुझे, तो आप इनको ज़रूर अपने सेलिब्रेशन में शामिल करना, ठीक है। तो इनके लिए ही जो आपको सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है, इस जून मंथ में, तो ये सक्सेस के पीछे ज़रूर से ज़रूर कोई लेडी का हाथ है, ठीक है, तो ये बात आप समझ जाओ। और ये 20 से 30 तारीख तक के लिए हम देख लेते हैं क्या है। देखो आपका अगर कोई फैमिली इशू था ना, कोई फैमिली मैटर जो कि बहुत दिनों से सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब आपका जो फैमिली प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, ठीक है, तो वो जून मंथ में सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली में शायद किसी कुछ भी प्रॉब्लम था, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप बहुत ही दिनों से वेट कर रहे थे कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आपके फैमिली में जो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, 20 से 30 तारीख के बीच में तो सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स रही है कि आपके पास कोई ऑफर तो आने वाली है, ठीक है। आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में ग्रोथ सक्सेस मुझे नज़र आ रही है, आपके पास कोई मेल मैसेज आने वाली है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ वाला मैसेज लेकर आ रहा है, ठीक है, जो परमानेंट होगा, ठीक है। और आपका जो प्रॉब्लम था वो भी मुझे फैमिली प्रॉब्लम था, ठीक है, वो भी मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है जून मंथ में। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा मेजर मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है। पॉजिटिव रहो, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस जो कार्ड आपके पास आया है वो बहुत ही ज़्यादा होली एनर्जी कार्ड है, ठीक है, तो वो कार्ड आने से आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, ये जो कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जेटिक कार्ड है, ठीक है। तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको ख़त्म ही हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम था, ये जो फैमिली प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको वो जून मंथ में मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस। तो चलो देख लेते हैं कि वाओ द लवर्स। देखो अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है मुझे जून मंथ में, ठीक है। और जो सिंगल है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लाइफ पार्टनर जो कि उनके ट्वाइन फ्लेम होगा या फिर सोलमेट होगा, ठीक है, तो वो उनके लाइफ में एंटर कर जाएगी जून मंथ में ही, ठीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पास कोई लव ऑफर लेकर आ सकता है, या फिर आप किसी को लव ऑफर करने वाले हो, ठीक है गाइस, जून मंथ में। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, बहुत अच्छे, पैसा है, प्यार है,
फैमिली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। तो जून मंथ आपका बहुत अच्छा गुजरेगा गाइस, ठीक है। तो ये एंजल मैसेज है, आपको अगर कुछ क्वेश्चन एंजल से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वो ज़रूरी समझते हैं आपका आंसर देना तो ज़रूर देंगे, हाँ या ना में, ठीक है। तो और जो आपके लिए अभी ज़रूरी है वो मैसेज दे देंगे एंजल, ठीक है। नो गाइज, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछे थे तो उसका आंसर नो है, ठीक है। एंजल ने अभी आपको आपने अगर कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो आपको वो अभी करने से मना कर रहे हैं, ठीक है। अभी शायद डिवाइन के तरफ से ये काम करने का सही समय नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप परमानेंटली वो काम स्टॉप कर दो, ठीक है। तो अभी ये समय उपयुक्त नहीं है ये काम करने के लिए, मुझे ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो देखो गाइस, जून मंथ आपकी बहुत अच्छी गुजरने वाली है, ठीक है। आपके प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होते हैं नज़र आ रहे हैं मुझे, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाय।